मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की मासिक बैठक दीपावली हंगामा के रूप में मनाई गई। सदस्यों द्वारा देश में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि की प्रशंसा की गई। साथ ही सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि भविष्य में जब भी राष्ट्रहित के लिए संगठन की आवश्यकता होगी, सभी सदस्य तन मन और धन से मदद करने के लिए तत्पर होंगे। महासचिव तरुण मदान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को दीपावली को इको दीपावली और ग्रीन दीपावली के रूप में बनाना चाहिए, ताकि वायु और ध्वनि प्रदूषण जितना कम हो सके उतना कम करें। इसके अलावा चीनी सामान का उपयोग करने के बजाय मिट्टी के दिए, स्वदेशी झालर, स्वदेशी मोमबत्ती का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप सिंह ने समाज सेवा के लिए संगठन की सराहना की। विशेष अतिथि डॉक्टर पीके गुप्ता ने दीपावली के उपरांत वायु और ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याओं की जानकारी दी। इस दौरान अध्यक्ष शिवेंद्र जैन, कोषा अध्यक्ष संजय शर्मा, ब्रजभूषण धमीजा, अवधेश शर्मा, रवि कपूर, सनी भाटिया, पंकज अग्रवाल आदि मौजूद रहे। हमारे मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की मासिक बैठक है। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद, करीब 6-7 महीने बाद आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं दिवाली हंगामा के रूप में। हम सब लोग शपथ लेंगे कि इको दिवाली, ग्रीन दिवाली के रूप में इसे मनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, चाइनीज़ झाला, चाइनीज़ लाइट और चाइनीज़ सामानों का आविष्कार करें, ताकि वो पैसा हिंदुस्तान में ही रहे, हिंदुस्तान के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पर समृद्धि आए। और हमने इस बार ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से बचने के लिए बहुत कार्य भी करेंगे और पैम्पलेट्स द्वारा लोगों को जागरूक भी करेंगे, और मीडिया द्वारा आप लोगों के द्वारा आप सबसे निवेदन करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण बचें, क्योंकि कोरोना काल में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी लोगों को ऑक्सीजन की। तो कृपया क्लाइमेट शांत रहे, साफ रहे, इसी के लिए सभी से फिर से एक बार निवेदन। आज हमारे बीच में डॉक्टर अनूप सिंह क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा और डॉक्टर पीके गुप्ता साहब वरदान नर्सिंग होम के ऑनर, ये दोनों लोग आए हुए हैं। ये अपने क्षेत्र में जो सेवा इन्होंने करी है, जो योगदान दिया है समाज के लिए, उनके लिए इनके हमने सम्मानित किया है इन दोनों को। आप सभी के माध्यम से फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि इस दीपावली को ग्रीन और इको दिवाली के रूप में मनाएं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ना करें, जो भी शगुन है उसके लिए करें थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा ना करें। और जैसे कि क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह साहब ने बताया कि जो खर्च करना है वो गरीब लोगों पे करो, ताकि उनके घर में खुशी पहुँचे और उनकी वास्तव में उनकी दीपावली बन पाए। तो सभी से फिर से निवेदन, और आप सभी को फिर से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मैं अध्यक्ष मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन जी, क्या कहना है आज के इस कार्यक्रम में? मैं मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन का महासचिव तरुण मदान पूरे समाज से और पूरे शहर को मैं आज दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का पर्व आने वाला है, जो इस पर्व को बहुत ही शालीनता से और रोशनी का त्यौहार है, ये रोशनी कर कर मनाएं। इसमें ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण ना करें तो बहुत बेहतर होगा। और गरीब लोगों से, जो गरीब लोग सड़कों पर दुकान सजाते हैं अपनी, उनसे सामान लें, जिससे कि उनके घर में भी दिवाली मनाई जा सके और उनके घर भी दिए जलाए जा सके। हमें चाइनीज सामान में भी नहीं खरीदना चाहिए, परहेज करना चाहिए, स्वदेशी सामानों को हमें खरीदना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और उन गरीब परिवारों में भी दिवाली मनाई जा सके।